चांदनी चौक का हर कोना चमकाना है, चांदनी चौक का हर कोना कोना चमकाना है। और प्रवीण भाई को, और प्रवीण भाई को बहुमत से जिताना है। गोवा के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत ने दिल्ली के अशोक विहार के जेलरवाला बाग में पहुंचकर चांदनी चौक के प्रत्याशी प्रवीण खंडेलवाल के समर्थन में जनसभा को संबोधित किया। इस दौरान सावंत ने जहां केजरीवाल सरकार को एंटी दिल्ली और एंटी महिला सरकार बताया, तो वहीं क्विक न्यूज से बात करते हुए इंडिया गठबंधन को उन्होंने आड़े हाथों लिया और प्रवीण खंडेलवाल के लिए जनता से वोट की अपील की। प्रमोद सावंत जी हमारे साथ मौजूद है, गोवा के मुख्यमंत्री हैं। सर क्या कहेंगे, इंडिया गठबंधन लगातार ये जनता के बीच में जब भी जा रहा है तो कह रहा है कि अगर मोदी सरकार आएगी तो झुग्गियों को तोड़वा देगी, आप क्या कहेंगे इस चीज के ऊपर? मुझे लगता है कि इंडिया गठबंधन वालों के नेता ने इधर आके देखना चाहिए। इतने 1700 जो प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत जो फ्लैट बनाए हैं तो उनके लिए बनाए हैं, इनके तो ऑलरेडी पोजेशन भी दे चुके हैं, सिर्फ उन्होंने यहाँ पे आना बाकी है। तो सिर्फ लोगों को गुमराह करने की बात जो केजरीवाल खुद होके कर रहे हैं, मुझे लगता है कि माननीय मोदी जी के गारंटी के ऊपर लोगों का भरोसा है। जहाँ पे झुग्गी झोपड़ी होगी वहीं पे उनको प्रधानमंत्री आवास बना के देने की गारंटी मोदी जी ने दी है। हमारे यहाँ के सांसद प्रवीण भाई मेरे साथ में है, आपके परिषद हमारे साथ में है, इतने लोगों को मकान मिला है। तो बाकी दिल्ली वासियों ने, बाकी लोगों ने पीएम के ऊपर भरोसा करना जरूरी है, क्योंकि भरोसा करने के बाद ही तो इतने अच्छे मकान मिल सकते हैं। यहाँ आके देखो, यानी उनके लिए अच्छा कम्युनिटी हॉल, उनके लिए आंगनबाड़ी, उनके लिए पार्किंग, इतना बड़ा मुझे नहीं लगता है और किसी स्टेट में इतना बड़ा बनाया होगा जो दिल्ली में बना के माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने जो रोल मॉडल बोल के उनके सामने रखा है। प्रवीण खंडेलवाल जी के लिए कैसे जनता से आप अपील करना चाहेंगे, क्या कहना चाहेंगे? प्रवीण भाई से तो तीन दिन से मैं उनके प्रचार कार्य में जुड़ा हूँ। जहाँ जाता है उसको उतना तो बहुत रिस्पांस मिल रहा है, 100% यानी लाखों के मार्जिन से प्रवीण भाई चुन के आएंगे। जो अपने जमीन पे रहने वाले नेता हैं, जो लोगों से मिलते जुलते रहते हैं, 100% यानी लाखों के मार्जिन से वो चुन के आएंगे। सर एक वोट अपील, 100% आगे आने वाले 25 तारीख के लिए 3 नंबर पे आके, यानी हीट ज्यादा होते हुए भी प्रवीण भाई के लिए कमल पे बटन दबाओ, बस इतनी ही मैं विनती करता हूं। मौका था पीएम मोदी के जहां झुग्गी वहीं मकान के प्रॉमिस को बताने का, लिहाजा कार्यक्रम भी पीएम आवास योजना के तहत बने 1700 फ्लैट के सामने आयोजित हुआ, जिसका दौरा खुद मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत और प्रवीण खंडेलवाल ने अपने नेता और कार्यकर्ताओं के साथ किया। साथ ही इन फ्लैट्स के बारे में चर्चा भी की। प्रवीण खंडेलवाल ने क्विक न्यूज से बात करते हुए अपने लिए प्रचार करने आए गोवा के सीएम प्रमोद सावंत का धन्यवाद किया और कहा ये सीट इतिहास रचेगी। इस मौके पर कैट के दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष विपिन आहूजा भी मौजूद रहे। प्रवीण जी हमारे साथ मौजूद है, प्रवीण जी क्या कहेंगे, गोवा के मुख्यमंत्री खुद प्रमोद सावंत यहाँ पर पहुंचे और आपके लिए इस तरह से जनता से अपील कर रहे हैं, वोट की अपील कर रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे? मैं आदरणीय प्रमोद सावंत जी का आभारी हूँ कि 47-48 डिग्री टेम्परेचर में भी वो भारतीय जनता पार्टी के लिए प्रचार कर रहे हैं, मेरे लिए प्रचार कर रहे हैं। और प्रमोद सावंत जी का आके मेरे लिए प्रचार करना निश्चित रूप से मेरी जो जीत है उसकी बढ़ोतरी में उनका बहुत बड़ा योगदान है, मैं उनका आभार मानता हूँ। कैच के दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष विपिन आहूजा हमारे साथ मौजूद है। विपिन जी क्या कहना चाहेंगे, इतने शानदार जो फ्लैट्स बने हैं उसकी आस यहाँ की जनता बड़े उससे कर रही है, क्या कहना चाहेंगे? अरे इतने खुश हैं, ये तो हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी की मैं जितनी तारीफ करूँ कम है। ऐसे पौश की रौनी लग रही और जहाँ पर झुग्गी वहाँ मकान, सपना साकार कर दिया। अब जैसे प्रवीण जी आएंगे वो माननीय प्रधानमंत्री जी से और करके यहाँ के ये इस तरीके के फ्लैट उनके लिए और बनेंगे। जिन लोगों के लिए फ्लैट्स बनाए गए हैं उनका इन फ्लैट्स और मोदी सरकार के बारे में क्या कुछ कहना है वो भी हमने जाना। आम जनता यहाँ पे मौजूद है जो यहाँ पर इन फ्लैट्स को देखने आई थी, मैडम क्या कहना चाहेंगे, फ्लैट देख कर कैसा लग रहा है? लगने को अच्छा लग रहा है लेकिन देखा जाएगा नसीब में है कि नहीं मिलने की। चाहते हैं ऐसा फ्लैट मिले भाई, देखो गरीब तो कहाँ जाएगा झुग्गी छोड़ के, अब वो यहाँ से निकले कहीं ना कहीं तो जाए, ये तो छोड़ नहीं सकता जगह, देखते हैं क्या होता है। मोदी जी तो कह रहे हैं जहाँ झुग्गी वहीं मकान दूंगा, भरोसा कर पा रहे हैं? भरोसा करना चाहिए, अच्छे लग रहे हैं फ्लैट। फ्लैट अच्छे क्यों नहीं लगेंगे, और फिर पैसे तो भाई देखो देने पड़ेंगे, कहीं ना कहीं से तो जुगाड़ करनी पड़ेगी, लेकिन वही है ना, मिले तो सही, पहले मिले तो सही, लोगों को आस बहुत है, मिले तो सही। अब भाजपा को ही देना है। हाँ मकान कैसे लग रहे हैं, लोग कह रहे हैं बहुत अच्छे, ठीक है पैसा वैसा तो जमा कर दिए, मिल जाएगा तब तो सही होगा। अच्छा उम्मीद बहुत है,
उम्मीद है। क्या कहना चाहेंगे आप मोदी सरकार पे भरोसा? मोदी सरकार पे तो भरोसा ही है, और क्या सर, क्या कहना चाहेंगे? इन फ्लैटों को देखकर क्या उम्मीद जग रही है? ऐसा है कि इन फ्लैटों को देख करके उम्मीद लग रहा है कि हर जनता को मिलेगी, क्योंकि इनका सारे डॉक्यूमेंट्स लिए गए हैं। फिलहाल ये कहना गलत नहीं होगा कि जिस तरह से चुनाव प्रचार चल रहा है उससे भाजपा का पलड़ा कहीं न कहीं भारी तो नजर आता है। डिंपल भारद्वाज, क्विक न्यूज। मजबूत बनाना है और प्रवीण भाई को भारी।